नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक चोक को हम लोग अपने जो एग्जिस्टिंग ट्यूबलाइट है उसमें चेंज करके उसमें नयापन ला सकते हैं और बिजली की बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चोक देख सकते हैं और यह है पुराना जो पट्टी है ट्यूबलाइट का, पूरा वायरिंग निकाल दिया गया है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब पट्टी जो है पूरी तरह से क्लियर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक चॉक है इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दो साइड में दो दो वायर है, ये दोनों वायर जो है और इस साइड में दो वायर है, तो ये सप्लाई के लिए है और इस साइड का दो दोनों वायर है ये ट्यूबलाइट के रॉड के साथ लगेगा। तो अभी हम लोग चोक जहाँ पे लगाना है उसको लगाते हैं। तो अब खोल दिया है, अब देख सकते हैं कि जो एक्सटेंडेड वायर है उस होल से निकाल लिया, दोनों वायर को निकाल लिया। ठीक है, अब स्क्रू से इसको फिट कर देना है। तो स्क्रू लगा के इसको फिट कर देते हैं। तो अब ये लग चुका है। अभी हम लोग जो इसका सप्लाई वाला जो वायर है उसको भी, जिसमें पावर सप्लाई रहेगा, उसको पट्टी के बैक साइड में होल्स के थ्रू लेके जाते हैं। तो देख सकते हैं अब पट्टी के बैक साइड में पूरा वायर आ गया है। अब जो वायरिंग होगा ये बैक साइड में ही होगा। अब ये जो एक्सटेंडेड वायर है एक साइड में एक साइड के होल्डर की तरफ जाएगा और दूसरा साइड का दूसरे साइड के जो होल्डर है उस साइड में जाएगा। तो उसको पहले क्लिप कर लेना है। तो पट्टी में ऐसे एक्सटेंडेड क्लिप लगाने के लिए एक्सटेंडेड पार्ट रहता है, उसको ऐसे थोड़ा दबा देना है वायर के नीचे, उसके नीचे वायर को रख के ऐसे दबा दिया। अब फिर से होल से बैक साइड में लेके फ्रंट साइड में ले लिया। उसी प्रकार से दूसरे साइड में भी वायरिंग को क्लिप करना है। तो यहाँ पे भी क्लिप कर रहे हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक चोक को अपने एग्जिस्टिंग पट्टी में चेंज करना बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, अपने घर में भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अब दूसरे साइड का एक्सटेंडेड जो वायर है उसको भी क्लिप करके अब होल से फ्रंट साइड में लेके आया है। इसमें स्टार्टर का कोई रोल नहीं है, स्टार्टर इसलिए कोई कनेक्शन स्टार्टर के साथ नहीं होगा। अब जो होल्डर है उसको ओपन करते हैं। तो फटाफट ओपन कर लिया। अब देख सकते हैं अभी ये होल्डर के साथ दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है, कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो
फटाफट इसको कनेक्ट कर दिए। अब फिर से उसी को पट्टी के साथ स्क्रू से कस देना है। अब उसी प्रकार से सेकंड साइड में भी वही करना है। सेकंड साइड का भी जो होल्डर उसको निकाल लिया, उसको जो वायर है उसको होल्डर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक चोक लगाने से फ़ायदा यह है कि अपने को एनर्जी का जो बिजली का बिल है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और जो है जो ट्यूबलाइट है उसका लाइफ भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से एक थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन ट्यूबलाइट का लाइफ और जो बिजली का जो है कुछ हद तक सेविंग हो जाता है, और जो हमिंग नॉइस है वो नहीं रहता जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अपना चोक में रहता है। अब ये पट्टी के साथ उसको होल्डर को लगा दिया। अब दोनों साइड के होल्डर में ये वायर कनेक्ट हो गया। ये है पावर सप्लाई के लिए जो दो वायर है, इसको क्या करेंगे अभी, ये जो कनेक्टर है कनेक्टर के साथ इसको कनेक्ट करके तो कनेक्टर से कनेक्ट करने से क्या होता है कि अगर किसी प्रकार से हम लोग वायर को जोड़ते हैं तो उसमें स्पार्क या शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है। तो कनेक्टर के थ्रू लगाए तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता है और सेफ है, इसलिए कनेक्टर को स्किप ना करें, कनेक्टर को अवश्य ही लगाए। तो कनेक्टर को पावर सप्लाई जो वायर है उसको लगाना है। वायर को थोड़ा सामने से मोड़ लेना अच्छा रहता है, जिससे कि जो स्क्रू है वो अच्छे से उसको पकड़ सकता है, नहीं वो स्क्रू कसने के बाद वहां से वायर निकलने का चांसेस कम हो जाता है। तो इस प्रकार से पावर सप्लाई के साथ उसको कनेक्ट कर दिए। अब ये जो कनेक्टर है इसको पट्टी के साथ स्क्रू के थ्रू कनेक्ट करना है। तो देख सकते हैं ये जो चोक का एक स्क्रू निकल के थोड़ा सा लंबा सा एक स्क्रू लगा के उसके थ्रू ही कनेक्टर को लगा दिया। अब ये कनेक्टर लग चुका है। अब पावर सप्लाई जो केबल है उसको कनेक्टर के थ्रू लगा देना है। तो दो टर्मिनल है इसमें, एक रहेगा फेज और एक जो रहेगा न्यूट्रल। तो ये फेज और न्यूट्रल कोई स्पेसिफिक टर्मिनल नहीं है, ऐसी सप्लाई होने की वजह से कोई भी टर्मिनल को लगा सकते हैं। तो किसी एक साइड में फेज लगाइए और किसी एक साइड दूसरे साइड में न्यूट्रल टर्मिनल लगाना है। तो फेज को हम लोग कलर कोड से लगाते हैं, जैसे कि वो येलो दिया है इसमें, और ब्लैक जो है वो न्यूट्रल के लिए। तो इस प्रकार से अब इसको पट्टी से बाहर, इस प्रकार से पट्टी के अपर साइड से या लोअर साइड से होल दिया हुआ रहेगा, वहां से उसको बाहर निकाल लेना है दोनों टर्मिनल को पावर सप्लाई केबल का। अब जो है ये निकाल लिए, और अभी टेस्ट करके देखना है कि हमारा जो वायरिंग है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, और जो इलेक्ट्रॉनिक चोक हमने चेंज किया है वो प्रॉपर ऑपरेट हो रहा है या नहीं। तो इसमें अभी हम लोग एक रॉड लगाएंगे ट्यूब, तो अभी ये रॉड लगाए। तो रॉड प्रॉपरली इंसर्ट करके उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना पड़ता है, जिससे कि वो अच्छे से लगे। अब ये कनेक्ट कर दिया है, अभी स्विच ऑन करके देखते हैं कि चालू हुआ या नहीं।
चालू नहीं हुआ, थोड़ा सा रॉड को ट्विस्ट कर लिया, अब देख सकते हैं कि लाइट जो है वो ऑन हो गया। अभी एक ही स्विच ऑन के बाद तुरंत ऑन होता है और ऑफ होता है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो। धन्यवाद।